हे नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमन। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे मेरे येलो साइडर कोनी था बॉक्स लगाया था, आप लोगों को शेयर किया था, मतलब जब खरीदा था तब शेयर किया था, बॉक्स लगाया था, ठीक है, फूड वूड सब शेयर करता हूँ। आज बॉक्स चेक करेंगे, मैंने बॉक्स लगाया था, बहुत दिन हो गया है, तो बॉक्स में ये लोग घुस रहे हैं कि नहीं ये सब वगैरह देखेंगे, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बॉक्स में ये लोग घुसते हैं, रात में कभी कभार घुसे रहते, कभी कभार बाहर रहते, कभी कभार दिन में घुसे रहते, कभी कभार बाहर रहते हैं, ठीक है। और तो आज चेक करेंगे, ठीक है। अंडा वंडा तो ले नहीं किया है, मतलब इनका बिहेवियर जो है कि देख के हम लोग, इतना बर्ड्स पालता है, इतना तो आइडिया हो गया कि बर्ड्स अंडा ले किया ही नहीं है, देख के इन लोगों ने अंडा नहीं ले नहीं किया है। अभी और भी टाइम जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, एक बच्चे एक यंग कोनियर को बड़ा करता है, धीरे धीरे एडल्ट होता है, वो ब्रीड करता है, बच्चे पैदा करता है, ठीक है, वो बहुत टाइमिंग होता है। अगर आप देखते हैं इनका क्या होता है बॉक्स में, तो ये लोग अंदर बाहर कर रहे हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और जो मैंने बॉक्स लगाया था मेरा येलो साइडेड कोनियर को, और ये बॉक्स के अंदर है दोनों ही, तो बहुत दिन हो गया, तो प्रोग्रेस देखेंगे। मतलब एक फर्स्ट टाइम एक चिक्स, जो बच्चा एकदम छोटा चिक्स है, उस टाइप का एक कोनियर कितने दिन में ब्रीड करता है, ठीक है, क्या क्या फूड सब कुछ, फूड लगभग तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, जो जो फूड मैं दे रहा हूँ, और ब्रीडिंग केज भी आप लोगों का साइज़ जानते ही हैं, मेरा जो ब्रीडिंग केज का साइज़ है येलो साइडेड कोनियर का 5.5 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट। हाँ, हालांकि मैंने दूसरे जो मेरे पास कोनियर उनके लिए छोटा केज प्रोवाइड किया है, लेकिन इसके लिए बड़ा केज किया था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा था, और मैंने सोचा था कि मैं आगे नेक्स्ट कोई भी कोनियर नहीं खरीद पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है, तो इसलिए मैंने एक ही पेयर रखूँगा ज़िंदगी भर, इसलिए एक ही बड़ा साइज़ का केज बनाया था। फिर धीरे धीरे आप लोगों के मदद से थोड़ा कैपिटल इकट्ठा कर पाया, मनी इकट्ठा कर पाया, उसके बाद और भी कोनियर में ले पाया। तो चलिए इनका प्रोग्रेस देखते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे, मतलब कितना दिन लगता है इनको एक वेग ले करने में। अभी तो ये लोग एक ले नहीं किए हैं मैं जानता हूँ, फिर भी लगभग आपको बॉक्स दिखाया था और उनसे लेके आज तक का दिन कितना हुआ, फिर भी अंडा ले नहीं किया, मतलब कितना कितना धैर्य रखना पड़ता है। ये बहुत से लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाते, तो अगर आप ब्रीडिंग पेयर कहीं से लेके आते हैं तो वो बात अलग है, आते ही आपके पास अंडा ले कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन एक फर्स्ट टाइम एक आप फर्स्ट टाइम चिक से एडल्ट करके उसे ब्रीड पे ला रहे हो, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। वो देखिए मुंह बार कर रहा है वहाँ से, चलिए थोड़ा खोल के देखते हैं, और ये लोग डर के अभी बाहर आ जाएंगे जब भी मैं खोलूँगा। मैं फिलहाल खोलता नहीं हूँ कभी, मतलब इन लोगों को डिस्टर्ब मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं आता भी नहीं हूँ यहाँ पर। मैं जो नॉर्मली जॉब करता हूँ, 12 घंटे का मेरा ड्यूटी आवर्स होता है, और बाकी जो दिन छुट्टी का होता है उस दिन मैं बर्ड्स डिलीवर करना, या किसी को आप लोगों में किसी को बर्ड्स चाहिए तो मैं देने के लिए चला जाता हूँ, या किसी का सेटअप विजिट करने के लिए, मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, घूमने के लिए, कहीं पर ट्रैवल करने के लिए चला जाता हूँ, इसलिए तो ज़्यादा टाइम मैं रहता नहीं हूँ। दिन में लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर रहता हूँ 24 घंटे में, और चेक वेक नहीं किया था लास्ट, जो मैं बॉक्स लगाया था तभी चेक किया था, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया, तो आज चेक करेंगे। अंडा वंडा ले नहीं किया है, लेकिन ये लोग घुसते हैं तो देखते हैं, थोड़ा फ्लास्क ऑन कर लेते हैं, अभी ये लोग डर के फटाक से बाहर आ जाएंगे, मैं जानता हूँ ये लोग ऐसा ही करेंगे। एक पीस, एक पीस बाहर आ गया, अभी ये भी बाहर आ गया, दोनों ही, ठीक है, ये देखिए दोनों ही बाहर आ गया, कोई भी अभी अंदर नहीं है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे क्या इन लोगों ने नेक्स्ट इन्वेस्टिंग कैसा करता है, क्या कुछ करता है, वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वो जो चिप्स द नेस्टिंग मटेरियल थोड़ा बहुत डाला था, और थोड़ा बहुत वुडन शेप उड का लकड़ी का छिलका, वो भी मैंने अलग से कुछ जो लकड़ी का शॉप होता है वहाँ से लेके डाला था, दोनों को मिक्स करके, और नेस्टिंग मटेरियल ठीक ठाक है। अभी ये लोग घुसते हैं, देखिए इनका फेदर वेदर भी इसके वुडन शेप के अंदर मिक्स है, और देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टाइम चिक से लेके एडल हो रहा है, लगभग 13-14 महीना तो इनका एज होगा, उससे भी ज़्यादा एज का बर्ड्स होगा तो अच्छा होता है, लेकिन मैंने बॉक्स लगा दिया क्योंकि मैं जानता था कि बॉक्स लगाते ये लोग फटाक से ब्रीडिंग नहीं करेंगे, 2-3 महीना 4 महीना टाइम लगाएंगे फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग में, तो इसलिए नॉर्मली इन लोगों का 1.5 साल के ऊपर का एज हो ही जाएगा तब तक।
चलिए फ्रेंड्स, चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन लोगों का जो भी मतलब फ्रूट चाट वगैरह होता है वो तो मैं नॉर्मली आप लोगों से शेयर करता ही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता, सभी कुछ लगभग शेयर होता है। और सीड मिक्स खा लिया है थोड़ा बहुत इन लोगों ने। फ्रूट में मैंने आज एप्पल और गुआवा दिया था, और स्प्राउट आज नहीं दिया था। वो स्प्राउट आज भिगोना भूल गया था, मतलब दूसरे दिन, क्योंकि स्प्राउट बनाने में लगभग 48 टू 50 आवर्स तक लग जाता है, भूल गया था, इसलिए नहीं आज मिक्सिंग दे दूंगा। आज गुआवा और एप्पल ही मिक्स कर दीजिए। इस सीड मिक्स है, सीड मिक्स भी आप लोगों को थोड़ा दिखा देते मैं क्या यूज़ करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीड मिक्स है मैं यूज़ करता हूँ, सारे के सारे बड़े टाइप के सनफ्लावर है, कद्दू के बीज है, और हेम सीड, और आपका बहुत सारे ओट्स वगैरह, ठीक है। ये एक तरीके का नट्स होता है, बर्ड्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बर्ड्स इसे तोड़ नहीं पाता। ये मैकाओ ग्रीप पैरट के लिए है, इसके थोड़ा तोड़ के इसको, इसका अंदर का जो बादाम होता है वो बर्ड्स खाता है बहुत शौक से, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं वाइट सनफ्लावर सीड, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक खाना है। बर्ड्स को मैं प्रोवाइड करता हूँ वाइट सनफ्लावर सीड। ब्लैक सनफ्लावर होता है, वाइट सनफ्लावर बहुत से लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, देख लीजिए वाइट सनफ्लावर सीड। तो फ्रेंड्स, यही था इन लोगों का प्रोग्रेस वगैरह। तो नेक्स्ट जो भी इनका अपडेट होगा, मतलब इसके बाद इस कोने के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट जब ये अंडा वंडा ले करेगा तभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सामने वाला जो है कि मेल है, और जो पीछे है वो पीछे वाला वो है फीमेल, ठीक है। बहुत तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आप सभी दर्शक बंधुओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ,